स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिरर के पावर के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद मिरर का यूज और मिरर फॉर्मूला का ग्राफ्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मिरर के पावर को के बारे में। प्लेन मिरर के पावर के बारे में जब देखे हुए थे तो उस समय भी हमने बताया था कि इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, उसका फोकल लेंथ जो था वो इनफाइनाइट था, इसलिए प्लेन मिरर का पावर जो था वो हम लोगों को जीरो प्राप्त हुआ। लेकिन स्फेरिकल मिरर में इसका फोकल लेंथ जीरो नहीं होता है, तो हम लोगों को इसका पावर कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर होगा। एक चीज अंतर है प्लेन मिरर से, ये जो होता है नेगेटिव इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। स्फेरिकल मिरर का जो पावर होता है वो नेगेटिव इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ मतलब -1/f होता है, और इसका यूनिट भी डायोप्टर ही होता है। कब? जब फोकल लेंथ मीटर में मापा जाए तब होता है। तो इसको लिख लेते हैं, नेगेटिव इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, नेगेटिव इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज known as its power, ठीक है। तो that is P is equal to क्या हो जाएगा -1/f। अच्छा, f को हम लोग r/2 लिखते हैं, तो P is equal to -2/r, ये भी हो जाएगा। इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू डायोप्टर, ठीक है, सिंबल कैपिटल डी होता है। कब? व्हेन फोकल लेंथ is in meter, ठीक है। तो जो मीटर का पावर है, स्फेरिकल मीटर का पावर इज इक्वल टू -1/f होता है। f को अगर मीटर में मापते हैं तब इसका यूनिट क्या हो जाता है? डायोप्टर में होता है। जैसे अगर 30 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कैसे बदलेंगे? तो 30/100 कर देंगे, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग पावर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछता है कि कोई कंकेव मिरर के सामने सन का इमेज इतना बड़ा बनता है, जिसका डायमीटर इतना है, उस कंकेव मिरर का फोकल लेंथ इतना है, या सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना है, तो सन का डिस्टेंस निकालिए या सन का डायमीटर निकालिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक कंकेव मिरर है, ये क्या है? कंकेव मिरर है, ये इसका एक्सिस हो गया। सन को हम लोग कहां रख लेंगे? इनफाइनाइट पे लेंगे। सन को कहां पे लेंगे हम लोग? इनफाइनाइट पे। ये सन है, सिर्फ सन ही नहीं कोई भी रहेगा, है ना। अभी इनफाइनाइट का जो है ये पोल पे आया, और ये अगर फोकस है तो फोकस पे इसका इमेज बना दिया, फोकस पे इसका इमेज जो है वो बन गया। अगर ये सन है, इसका जो डायमीटर है, इसका डायमीटर कैपिटल डी है, और डिस्टेंस यहां से यहां तक जो है
यहां से यहां तक डिस्टेंस वाई है, और यहां पे देख लीजिए कि ये कितना चाहिए, एक से इसको मान लेते हैं एक्स, ये क्या है फोकल लेंथ एफ, और इसका डायमीटर मान लेते हैं हम स्मॉल डी। इमेज में दिया हुआ है कि इसका डायमीटर दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, या जो भी सी भी दिया रहेगा तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आर और आर का हाफ एफ, तो सी का वैल्यू दिया हुआ कि सी पोल से इतनी दूरी पर है, तो वहां से हम लोग एफ निकाल सकते हैं। तो इस स्थिति में देखिए जब पोल पे इंसिडेंट करता है तो दोनों एंगल बराबर हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये 90 डिग्री है ये थीटा है, तो देखिए दो एंगल, दो त्रिभुज का दो एंगल बराबर होगा, तो तीसरा ये और ये अपने आप बराबर हो जाएगा क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो दोनों त्रिभुज जो है वो समरूप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इनके जो मतलब संगत भुजा है वो अनुपातिक होंगे, मतलब कि कोरेस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल होंगे, इसका ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर का अनुपात और इसके बेस और इसके बेस का अनुपात दोनों क्या होगा बराबर होगा। तो यहां पर देख लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, इस त्रिभुज में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, तो एल कितना है चाप की लंबाई, डी हम लोग मान लेते हैं, आर कितना है एक्स बराबर, इसका एल कितना है जी स्मॉल डी, और इसका लेंथ कितना है एफ, ये जो थीटा है ये रेडियन में, थीटा किसी में रेडियन में, और इसी फॉर्मूला से हम लोग यूज करके निकालते हैं, ठीक है, अगर डिग्री में दिया रहेगा तो इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके तब निकालेंगे। अब हम लोग स्फेरिकल मिरर का यूज देखेंगे, तो स्फेरिकल मिरर की यूज में सबसे पहले हम कन्वेक्स मिरर का यूज देखते हैं। तो आमतौर पे अपने दैनिक जीवन में हम लोग बहुत सारा जो है यूज देखते हैं, हालांकि उस पर ध्यान नहीं देते हैं, है ना, बट उसी चीज को हम लोग को क्या करना है, नोट कर लेना है। जैसे गाड़ी चलाते वक्त या बाइक चलाते वक्त आपका साइड मिरर जो है गाड़ी का, उसमें देखिएगा हर एक ऑब्जेक्ट जो पीछे आ रहा ऑब्जेक्ट उसका सीधा इमेज बनता है, और ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी बड़ा हो उसका जो है इमेज मतलब कि उस मिरर में आ जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा इमेज बनता है। दूसरी बात कि उसका मतलब कि व्यू फील्ड जो है वो भी काफी लार्ज होता है, मतलब कि बहुत सारा जो क्षेत्र है उसमें स्थित सारे वस्तुओं का प्रतिबिंब उस मिरर में बन जाता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी हम कहां देखे थे, किस मिरर का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि एक तो फील्ड व्यू भी काफी बड़ा हो, दूसरा हर ऑब्जेक्ट का सीधा काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हो, तो ये तो कन्वेक्स मिरर में होता था, तो एक यूज ये हो गया। उसके बाद कन्वेक्स जो मिरर है उसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, उसका काम क्या है कि लाइट को वो डाइवर्ज करता है। तो स्ट्रीट लैंप जो भी लगाया जाता है रास्ते, जैसे कि चलते हैं हम लोग कोई रोड के बीचों बीच, देखिएगा बहुत सारा लैंप लगा हुआ रहता है, रोड लैंप जो होता है, तो उसमें क्या उसका काम क्या होता है कि रोड को लैंप से जो लाइट निकल रहा है उसको फैलाना, ताकि मैक्सिमम जगह पे लाइट की उपस्थिति रह सके, तो वहां पे हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं पहले, यूजेज। तो पहला कन्वेक्स मिरर का पहला यूज स्ट्रीट लैंप पे हो जाता है, और फिर साइड मिरर। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, कंकेव मिरर। इसका यूज जो है इसके रिस्पेक्टिवली ज्यादा है, इसका यूज हम लोग बहुत सारा देखते हैं, जैसे आगे पढ़ाएंगे भी टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में आपको कंकेव मिरर का ही यूज किया जाता है, वो काफी क्लियर
जो है इमेज का निर्माण करता है। ठीक है, सर्च लाइट, टॉर्च जो है, आप लोग टॉर्च में देखिएगा कि बल्ब के पीछे कनकेव मिरर लगा हुआ होता है और तल दर्पण लगा हुआ रहता है ना, लाइट को क्या करता है, फोकस करता है किसी जगह पे। फिर अगर हम बात करते हैं सेजिंग मिरर का, जिसका एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी जब इमेज फॉर्मेशन के कंडीशन को देख रहे थे तो उस समय दिए हुए थे कि ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में डाला जाता है किसी कनकेव मिरर के सामने, तो उसका सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब जो कि वस्तु से बड़ा होता है वो प्राप्त होता है, तो उस समय सेविंग मिरर के भी यूज कर सकते हैं। ईएनटी जो टर्म है उसमें भी स्पेशलिस्ट के द्वारा इसका यूज किया जाता है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। सेविंग मिरर के रूप में, ठीक है, सर्च लाइट के रूप में, टेलीस्कोप के रूप में तथा स्पेशलिस्ट के द्वारा इसके। अब जो है हम लोग ग्राफ देखेंगे, लास्ट टॉपिक है आप लोगों का रिफ्लेक्शन का, ग्राफ देखेंगे, मिरर फॉर्मूला का ग्राफ, हाँ, उसके बाद आप लोगों का रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक और चीज बोलना है कि अगर हो सकता है तो आप लोग एक जूम जो है, जूम ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग अपना अपना मैसेज कर दीजिए, हाई लिख के जो भी अपना नाम है वो लिख के और रोल नंबर जो दिया गया वो लिख के कर दीजिए, ताकि पासवर्ड और आईडी आप लोगों को भेज दिया जा सके, है ना। उसमें जो होता है कि आप अपना कंफ्यूजन भी मेरे सामने आप पूछ सकते हैं, पढ़ाने के बाद कंफ्यूजन भी आप क्लियर कर सकते हैं, और वो बैच टाइम एक बना देंगे, उस बैच टाइम पे रेगुलर क्लास चलेगा उसी टाइम पे, है ना। तो जूम पे मतलब कि क्लास तो ये तो चलेगा, इसमें थ्योरी पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल वगैरह ये सब जो जो भी है ना, और थ्योरी भी उसमें भी पढ़ाएंगे, देखेंगे अगर वो ज्यादा उसमें अटेंडेंस ज्यादा हो रहा है उसमें अटेंडेंस भी आप लोगों का बनेगा, ठीक है। अगर अटेंडेंस ज्यादा हो रहा है तो फिर उसी पे पढ़ाएंगे ना, नहीं तो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला का ग्राफ। मिरर फॉर्मूला हम लोगों का क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है, ऐसा ग्राफ था। हम लोग अभी कनकेव मिरर में देख रहे हैं, तो कनकेव मिरर में यह देखिए पोल है, ये देखिए प्लस में एफ है, ये प्लस में 2f है, ये कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर में आता है इधर राइट प्लस में, ठीक है। अच्छा यहां पे देखिए ये प्लस में f, ये भी प्लस में f, ये माइनस में f है, ये माइनस में 2f है, ये माइनस में f और ये माइनस में 2f। इस लाइन पे एक्स एक्सिस पे हम लोग यू को लेते हैं, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे किसको लेते हैं, वी को लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहां पे कि ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को हम एफ पे रखते हैं तो हमको इमेज कहां मिलता है, इनफाइनाइट पे, इमेज हमको कहां पे मिलता है, इनफाइनाइट पे, तो ऑब्जेक्ट यहां पे तो इमेज इनफाइनाइट पे, ये कहीं पे जाके कटेगा अपना, इसमें सटेगा, तो इनफाइनाइट पे हम लोग मान लिए कटाते तो नहीं। जब ऑब्जेक्ट जो है एफ और टू एफ के बीच में मतलब कि यहां पे रहता है तो इमेज हमको कहां पे मिलता है, इमेज जो है हमको एफ और टू एफ के बीच में मिलता है, मतलब कि जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखते हैं तो इमेज हमको इनफाइनाइट और 2f मतलब कि c, 2f क्या है, c है,
सी के बीच में प्राप्त होता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में प्राप्त होता है, तो इमेज हमको यहाँ पे प्राप्त हो गई। ये वी वाला है और ये यू वाला है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F पे रखते हैं तो इमेज हमको कहाँ प्राप्त होता है, इमेज हमको 2F पे प्राप्त होता है। देखिए तो मिलाएंगे जब ऑब्जेक्ट को हम लोग 2F और इनफाइनाइट के बीच में रखते हैं, मान लेते हैं यहां पे, तो इमेज हमको कहां प्राप्त होता है, इमेज हमको F और 2F के बीच में प्राप्त होता है। अगर सभी लाइनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं यहां पे, तो इमेज हमको कहां पे प्राप्त होगा, F पे प्राप्त होता है। देखिए तो इमेज हमको F पे प्राप्त होगा। अब इसको मिला देंगे तो हमको रियल इमेज वाला जो है ग्राफ वो मिल जाएगा। तो ये आपको हो गया कंकेव मिरर में रियल इमेज का ग्राफ। ठीक है, अब जो है हम लोग इसमें कन्वेक्स मिरर को भी यूज कर लेते हैं और कंकेव मिरर का काल्पनिक प्रतिबिंब को भी यूज करते हैं। तो F और P के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा तो हम लोगों को इमेज किधर मिलेगा, ऊपर, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव कहीं पे भी, है ना। उसके बाद कन्वेक्स मिरर में देखते हैं कि पोल के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रखें हमको इमेज किधर मिलेगा, ऊपर ही मिलेगा। तो इसको सीधे हम लोग F का इनफाइनाइट, उसमें भी क्या होता है, F का इनफाइनाइट में आता है, तो यहां से इनफाइनाइट से हम लोग लाते हैं को दूसरे क्वाड्रेंट में भी घुमा देते हैं। तो ये जो है हम लोगों का ग्राफ जो हो गया मिरर फॉर्मूला का ग्राफ। ठीक है, हम लोग चाहे तो देखिए इंडिविजुअल टर्म में भी हम लोग कर सकते हैं इस तरीके से कि अगर 1/F और 1/B और 1/U के रेस्पेक्ट में पूछता है ग्राफ, अगर कंकेव मिरर में रियल इमेज बन रहा है तो रियल कंकेव मिरर ग्राफ किसमें किसमें, 1/U और 1/V में, एक घटेगा दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा पहला बढ़ेगा। अगर इसी में हम लोग वर्चुअल इमेज का देखें तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, 1/U 1/V। ठीक है, अगर कन्वेक्स मिरर में देखते हैं वर्चुअल इमेज का कन्वेक्स मिरर में देखते हैं तो उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा, इधर 1/U और इधर 1/V।